हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 9 द बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। ठीक है, इसमें पहला सब हेडिंग है ऑर्गेनाइजेशन एंड अ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। देखिए, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो किसके बने होते हैं? सेल के बने होते हैं। तो सेल क्या होता है, सबसे पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। देखिए, सपोज कीजिए मैं एक छोटा सा यहाँ पे फिगर बना रही हूँ सेल का। ये राउंड स्ट्रक्चर न्यूक्लियस, यहाँ पे डॉट डॉट स्ट्रक्चर जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, ये आपको न्यूक्लियस है, और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स रहते हैं जिसको सेल ऑर्गेनेल कहते हैं, और इस सेल ऑर्गेनेल को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ऐसा और भी बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर रहता है जिसको गॉल्गी बॉडी कहेंगे एक्सेट्रा। इसमें और भी सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं। तो ये फिगर किस चीज़ का है? ये फिगर है सेल का। तो हम लिविंग बींग्स, जैसे ह्यूमन बींग, जैसे एनिमल्स, जैसे प्लांट, किस चीज़ के बने हैं? हम लोग बने हैं किसके? सेल के बने हैं। लिविंग बींग्स, एनिमल्स, प्लांट बने हैं किसके? सेल के। तो अब आपके बुक में एक हेडिंग दिया हुआ है यहाँ पर बीच में, मतलब थोड़ा सा बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का कहने का सेंस है स्टूडेंट्स कि जब वो लिविंग बींग्स जो सिंगल सेल के बने होते हैं, द लिविंग बींग्स विच आर मेड अप ऑफ द सिंगल सेल आर नोन एज यूनिसेलुलर, एंड दोज लिविंग बींग्स विच आर मेड अप ऑफ द मोर देन वन सेल आर दोज आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे हम ह्यूमन बींग हैं, जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, तो ये सब क्या हैं? ये मल्टीसेलुलर हैं। दैट मीन्स उनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल की बनी होती है। लेकिन कुछ ऐसे लिविंग बींग्स हैं जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे बैक्टीरिया हैं, अमीबा है, एक्सेट्रा, तो वो कितने सिर्फ एक सेल के बने होते हैं, उनकी बॉडी सिंगल सेल की बनी होती है। तो उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनको क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर बोलते हैं। अब सवाल उठता है कि टिश्यू क्या है? टिश्यू के बारे में आपको बताऊं तो आप सिंपल सा बोलेंगे ए ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। ग्रुप ऑफ द सेल इज नोन एज टिश्यू। अब आपको ये समझना है कि सेल्स कैसे हम लोग का यहाँ पे जो सिस्टम दिखाया जाता है, और यहाँ पे देखिए हेडिंग में दिया गया ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहा जाता है, मैं वो बात बताना चाहती हूँ। सपोज कीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन में आप क्यों कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन का कहने का सेंस है कि जो हमारी बॉडी है ना, वो एक ऑर्गेनाइजेशन जैसा ही है। जैसे हमारी सेल के बाद क्या बनता है, यहाँ पे टिश्यू, ये है सेल, मतलब ग्रुप ऑफ सेल, दोज आर कॉल्ड टिश्यू। और टिश्यू से क्या बनेगा? ऑर्गेन, एंड ऑर्गेन से क्या बनता है? ऑर्गेन सिस्टम, एंड ऑर्गेन सिस्टम से क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म। दैट मीन्स वी आर, तो ये यह क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन जैसी व्यवस्था है, मतलब सेल, टिश्यू, ऑर्गेन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। तो इसलिए इसको कहा जाता है क्या, मतलब इसलिए इसका हेडिंग यहाँ पे सब हेडिंग दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब हम लोग चूंकि मूवमेंट की बात इसमें करने वाले हैं, तो हम लोग इधर उधर ना जाके सीधे मूवमेंट पे आते हैं। चलिए, यहाँ पे बॉक्स में कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे चार्ट में आपको इसके बाद बता दूंगी, मूवमेंट के बारे में देखते हैं। तो देखिए, मूवमेंट के लिए आप लोगों के लिए मैंने कुछ लाए हैं दिखाने के लिए, जैसे स्केलेटल सिस्टम का कुछ पार्ट्स मैंने लाया है। तो देखिए, स्केलेटन क्या होता है? स्केलेटन मतलब आपको मैं इस फिगर में दिखाऊँ ये क्या है, ह्यूमन स्केलेटन है ना। स्केलेटल सिस्टम कहेंगे, मतलब स्कल, हेड से लेके और यहाँ पे फुट तक, विदाउट स्किन एंड फ्लैश, विदाउट स्किन एंड मसल सेल्स, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ह्यूमन स्केलेटन। जहाँ स्किन ना हो, जहाँ मसल सेल्स ना हो और बोनल स्ट्रक्चर हो, इसी को बोलते हैं ह्यूमन स्केलेटन। ठीक है, तो ह्यूमन स्केलेटन में कहा गया है कि द स्केलेटन ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बींग इज मेड अप ऑफ 206 बोन। मतलब इस पूरे बॉडी में, ह्यूमन के पूरे बॉडी में कम्प्लीटली 206 बोन होता है, और चाइल्ड में ये बोन ज़्यादा होता है, लेकिन जब वो चाइल्ड मैच्योर होने लगता है, एडल्ट होने लगता है, तो वो रिड्यूस होकर 206 हो जाता है।
ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं फंक्शन ऑफ द स्केलेटन। तो फंक्शन ऑफ द स्केलेटन की यदि हम बात करें तो ये क्या करता है ना, सपोर्ट करता है। सपोज कीजिए कि हम दौड़ेंगे, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा काम कर रहे हैं, तो हमारे बॉडी को स्ट्रेट होने में, होल्ड होने में, मूव करने में क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन तो करता ही है। सपोज कीजिए कि हम खेल रहे हैं, आप लोग खेल रहे हो, आप लोग कुछ कुछ और काम कर रहे हो, तो गिर गए, चोट लग गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब ऐसा हो ही सकता है, होना ना, मतलब ऐसा विश नहीं कर रहे हैं कि हो, लेकिन इन द केस हो गया तो उस स्थिति में क्या करता है ना ये स्केलेटल सिस्टम, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। जैसे स्कल, स्कल कहते हैं, देखिए ये वाला हेड वाले रीजन को स्कल कहते हैं, तो इसके अंदर ब्रेन के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो तो सॉफ्ट होता है ना, तो उसको उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, ये हार्ड स्ट्रक्चर। बोन तो हार्ड होता है, तो ये हार्ड स्ट्रक्चर के अंदर सॉफ्ट सॉफ्ट, जैसे आइज का इंटरनल पार्ट, नोज, टंग, टॉन्सिल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे सॉफ्ट पार्ट हैं इस स्कल के अंदर, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, बोन करता है। मूवमेंट, देखिए बॉडी को मूव करना हो तो उसमें भी हेल्प करता है अस क्या, बोन, मतलब स्केलेटल सिस्टम। मेकिंग ब्लड सेल, ये बात सही है। देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो बैक बोन है ना, ये जो बैक बोन दिखाया जा रहा है, इसी के अंदर हॉलो पार्ट होता है और उसके अंदर क्या होता है ना, ब्लड सेल्स बनते हैं। तो हुआ ना, तो ये हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है हमारे लिए बहुत तरीके से क्या है, फ्रूटफुल है। अब देख लेते हैं हम, मैं आपको वन बाय वन दिखा देती हूँ, कुछ आपको स्ट्रक्चर्स में दिखा देती हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर वाला रीजन जिसको हम लोग हेड कहते हैं, तो सिर्फ बोनल स्ट्रक्चर है तो कहेंगे उसको स्केल, है ना। जॉ बोन, ये लोअर जॉ बोन, दैट मीन्स हमारे स्कल में यदि मूवेबल बोन हो, तो यदि है कोई, तो वो है हमारा लोअर स्कल। आप अपना खुद बॉडी स्कल में देख लीजिए, जब बोलते हैं, खाते पीते, दौड़ते खेलते हैं, तो दौड़ने खेलने का कोई कंसर्न तो नहीं है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं तो, या फिर हमारे स्कल में किसी तरह का मूवमेंट होता है, तो उसमें सिर्फ लोअर जॉ ही मूव करेगा। आप खुद इसको एक्सरसाइज करके देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कॉलर बोन, ये है कॉलर बोन। यहाँ पे देखिए लंबा वाला जो पार्ट होता है, ये लंबा पीला वाला पार्ट जो दिख रहा है वो शोल्डर ब्लेड है, है ना। ये रिब केज है, है ना, रिब केज। ये हाथ का हमारा जो पार्ट है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट, क्या है, ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना, है ना, बैकबोन, ये सब है। तो इसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगी, मैं स्केलेटल सिस्टम लाई हूँ। जैसे देखिए अभी मैं थोड़ा देर के लिए आपको दिखा दूँ, देखिए मैंने स्केलेटल सिस्टम लाए हैं यहाँ पर, तो मैं आपको इसको दिखा के और बुक से वन बाय वन आपको बताऊँगी। जैसे देखिए ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए, देख रहे हैं ना, तो ये क्या है, ये लेग का पार्ट है और ये बोन है, है ना। तो मैं आपको ये भी दिखाऊँगी, इसके बारे में हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे, ठीक है।